प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारी चर्चा का विषय आपका पैलेंटोलॉजी सेकंड पेपर गैस्ट्रोपोड, इसका भी फाइलम वही मोलस्का है जो इससे पहले की क्लासेस में हम बात कर चुके हैं लैमेलिब्रेकिया की। तो उसी फाइलम का लैमेलिब्रेकिया के ही मोलस्का फाइलम का गैस्ट्रोपोडा आज हम बात करने वाले हैं। जिस तरह से लैमेलिब्रेक्स समुद्री प्राणी है, उसी तरह से गैस्ट्रोपोड्स भी समुद्री प्राणी है, लेकिन ये फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं और लैंड पे भी मिलते हैं, यानी स्थल पे भी मिलेंगे, अलवणीय जलों में भी मिलेंगे और समुद्री समुद्र के तलों में भी ये पाए जाएंगे। अब ये जो गैस्ट्रोपोडा वर्ड है, यदि आप इनका शाब्दिक अर्थ निकालें तो ये एक ग्रीक वर्ड है जो दो वर्ड्स के संयोग से मिलकर बना है, एक गैस्ट्रो और एक पोडा। गैस्ट्रो का मीन्स है जठर से या इंटेस्टाइन से, इसको जठर से आप समझ सकते हैं, और पोडा का मतलब है फुट या पैर। तो ऐसे प्राणी, इस तरह के प्राणी या इस तरह के जीवाश्म जो जठर और पद दोनों जिनमें पाया जाता हो, वो गैस्ट्रोपोडा कहलाते हैं। और गैस्ट्रोपोड जल में, थल में और समुद्री जल में, तीनों में पाए जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा संख्या इनकी आपको समुद्रों में ही मिलेगी। और जो फ्रेश वाटर में मिलेंगे या जो अलवण जल में मिलेंगे, उनकी संख्या कम मिलेगी। इनमें सबसे एक अच्छी विशेषता इनकी ये है, इन गैस्ट्रोपोड्स की, कि ये वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढालने की इनमें एक अद्भुत क्षमता होती है, यानी एक ऐसी कोई फेवरेबल कंडीशन ये बना लेते हैं एनवायरनमेंट के साथ, ताकि इनकी इनको सर्वाइव करने में दिक्कत ना हो। यही कारण है कि ये समुद्र की गहराइयों से लेकर और ये पहाड़ों पर भी 500 मीटर की ऊंचाई तक ये आपको देखे जा सकते हैं। जैसा कि आप इस ब्लैक बोर्ड पे, इस डायग्राम पे आप देख रहे हैं, ये आपने एक डायग्राम बनाया है जो सॉफ्ट पार्ट है किसी भी गैस्ट्रोपोड का। इसमें आप देख सकते हैं कि यदि आप इस प्रकार के जीवित प्राणी का यदि आप निरीक्षण करें, तो आप देखेंगे कि इसमें एक स्पष्ट एक सिर होता है। ये देखिए, ये हेड, ये एक स्पष्ट एक इसका सिर है, हेड है, और एक स्पष्ट इसका शेल, यानी इसका जो कवच है वो स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा होगा। ये काइटिन का बना होता है ये सर कवच। तो एक स्पष्ट कवच और सिर आपको इसमें देखने को मिल रहा है, और इसी के कवच पर या इसी शेल पर आप देख रहे होंगे इसके आईज नेत्र। ये आप डायग्राम में देखेंगे, ये देखिए, ये आप इसके आईज हैं, और दो या दो से अधिक टेंटिकल्स इनमें निकले होते हैं। इसको आप हिंदी में स्पर्शक कहते हैं, यानी कि इन्हीं टेंटिकल्स के सहायता से, टेंटिकल की मदद से या इन्हीं स्पर्शकों की मदद से, सहायता से ये किसी भी शत्रु से, किसी भी दुश्मन से या किसी भी प्रकार की इनको कोई खतरा यदि इनको महसूस होता है, तो इन्हीं टेंटिकल्स की सहायता से ये अपना रास्ता बदलते हैं। इसी डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि एक बहुत बड़ा एक मांसल भाग आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, एक लटका हुआ रहता है, जिसको कि फुट या पैर या पाद, जिसको हम पद जिसको हम कहते हैं, और इसी फुट की सहायता से ये पानी पे फ्लोट करता रहता है या पानी में ये गमन करता रहता है, ये चलता रहता है। और इसीलिए चलने के लिए ये एक तरह से पंख का काम करता है, और सांस श्वसन के लिए, सांस लेने के लिए इसमें गिल्स
पाई जाती हैं गिल्स की सहायता से, या ये अपने स्किन की सहायता से भी, अपनी चमड़ी की सहायता से भी ये श्वसन क्रिया है वो करता है। तो इस क्लास में मोलस्का फैमिली के इस क्लास गैस्ट्रोपोडा में कुछ जो मुख्य जो आप पहचानने वाले जो आपके प्राणी हैं, जैसे आप घोंघे, घोंघा है वो आपने देखा होगा, घोंघे हैं, वेल्क है, लेम्पेट है, स्लग है, ये कुछ इस प्रकार के हैं जो इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और जब हम इनके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स की बात करें गैस्ट्रोपोड्स की, या हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें, तो कई ऐसे बेसिस हैं, कई ऐसे आधार हैं जिन पर आप इनको क्लासिफाई कर सकते हैं, इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे गिल्स, सांस लेने का जो इनका गिल्स है उसको आप एक आधार बना सकते हैं, इनका जो हार्ट है उसको आप एक आधार बना सकते हैं, जो इनका नर्वस सिस्टम है जो इसका तंत्रिका तंत्र है उसको आप आधार बना सकते हैं, और एक इनका रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स है, इनके जो जनन अंग है उनको भी आधार मानते हुए उसके आधार पर भी आप इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। और ये क्लासिफाई आप कैसे करेंगे, तो इस गैस्ट्रोपोड का जो फाइलम होगा वो वही लेमिनिब्रेन की तरह ही इसका फाइलम मोलस्का, इसकी जो क्लास है वो गैस्ट्रोपोडा, और इनकी सब क्लासेस तीन हैं जिनके नाम आप देख रहे हैं, प्रोटो गैस्ट्रोपोडा, प्रोसोब्रैंकिया, ओपिस्थोब्रैंकिया और पल्मोनेटा। ये तीन तरह की इनकी सब क्लासेस हैं और फाइलम इसका मोलस्का है, क्लास इसकी गैस्ट्रोपोडा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ गिल्स, हार्ट, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यू कैन डिवाइड, यू कैन क्लासिफाई द गैस्ट्रोपोड एज फॉलोस, फाइलम मोलस्का, क्लास गैस्ट्रोपोडा एंड सब क्लास प्रोटो गैस्ट्रोपोडा, प्रोसोब्रैंकिया, ओपिस्थोब्रैंकिया एंड पल्मोनेटा। तो इस प्रकार आप इसकी क्लासिफिकेशन की बात कर सकते हैं इस तरह से। और यदि हम इनकी मॉर्फोलॉजी या इनकी आकारिकी, शारीरिक आकारिकी की बात करें, तो जैसे कवच के लिए अभी आपने चर्चा की कि गैस्ट्रोपोडा का कवच जो है वो बाइवाल्व होता है, यानी द्वि कपाटीय होता है, ना होकर ये एक यूनिवॉल्व होता है, एक अपाटी होता है। इससे पहले आपने लेमिनिब्रेंस में ब्रैकियोपोड्स इसमें चर्चा की थी बाइवाल्व की या द्वि कपाटीय की, जैसे एक वेंट्रल वाल्व होता था, एक डोर्सल वाल्व होता था, या एक राइट वाल्व या एक लेफ्ट वाल्व होता था, लेकिन इसमें ऐसा ना होकर ये जो गैस्ट्रोपोड्स हैं ये यूनिवॉल्व होते हैं, यूनिवॉल्व यानी सिर्फ इनका जो शरीर है वो एक वाल्व का या एक अपार्ट का बना होता है। ये भी इनकी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर हुई होता है, और साथ ही ये कॉइल्ड होते हैं, कुंडलित होते हैं और एसिमेट्रिकल यानी असममित होते हैं। और ये जो इनकी कॉइलिंग है, जो कुंडलीकरण है इनमें, वो दो प्रकार से होता है, एक होता है डेक्स्ट्रल और एक होता है सिनिस्ट्रल, एक होता है डेक्स्ट्रल और दूसरा होता है सिनिस्ट्रल, यानी कि वामावर्त और दक्षिणावर्त, दोनों दो प्रकार का होता है, वामावर्ती और दक्षिणावर्ती, दक्षिणावर्ती मीन्स डेक्स्ट्रल और वामावर्ती मीन्स सिनिस्ट्रल। और ये क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्ती जो है वो तो क्लॉकवाइज कोइलिंग होती है, और जो वामावर्ती यानी आपका सिनिस्ट्रल है वो एंटी क्लॉकवाइज उसमें कोइलिंग होती है। और ये जो कॉइलिंग है वो एक कॉइल को या एक घुमाव को या उसके कुंडली के एक चक्कर को हम होल्ड कहते हैं। एक चक्कर क्या कहलाता है, होल्ड, एक चक्कर को आप होल्ड के नाम से जानते हैं। और इन दो होल्ड को जोड़ने वाली जो लाइन है वो स्विचर लाइन कहलाती है, और शेष जो कवच का भाग होता है, उस सर्किल भाग होता है, उसको आप स्पायर के नाम से उसको आप जानते हैं, समझते हैं। इस प्रकार जब भी आप इसके कवच की बात करेंगे और जब इसके आकार की बात करेंगे, तो ये कई आकारों में पाया जाता है, जैसे डिस्कॉइडल है, कॉनकॉइडल है, इसके अलावा आपका सिलिंड्रिकल है, यानी कि बेलनाकार, चक्रिकाकार, डिस्कॉइडल या गोलाकार, वृत्ताकार,
इस प्रकार से इसके जो शेल है, जो कवच है, वो आपको देखने को मिलता है। और गैस्ट्रोपोडा का जो कवच का अंतिम जो कॉइल है, चक्कर है, वो बेस की ओर खुला होता है, इसको हम एपर्चर कहते हैं, द्वारक। और इस एपर्चर का जो मार्जिन है उसको पेरिस्टोम कहा जाता है। और उस पेरिस्टोम के दो ओस्ट होते हैं, दो लिप होते हैं, जिनको आउटर लिप और इनर लिप के नाम से आप इनको जानते हैं, समझते हैं। तो इस प्रकार जब भी आप गैस्ट्रोपोड्स के शेल या कवच की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि ये हमेशा यूनिवॉल्विया या एक कपाटीय होता है। इसी तरह से जो इसका एपर्चर है, एपर्चर के अग्रभाग में जो आगे का भाग है उसको आप एंटीरियर कैनल, और जो पीछे का भाग होता है उसको आप पोस्टीरियर कैनल के नाम से भी आप उसको जानते हैं। और गैस्ट्रोपोड्स में ये जो एपर्चर है इनको बंद करने के लिए कैल्शियम युक्त पदार्थ या चूनेदार पदार्थों से निर्मित एक ऐसी कोई सेप्टम होती है, पट्टिका होती है, जो फुट यानी पैर के आगे के भाग से संलग्न होती है, जिसको ऑपरकुलम के नाम से आप जानते हैं, समझते हैं। तो इस प्रकार लेमुरिब्रेन का और गैस्ट्रोपोड का जो शेल है, कवच है, उसमें जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि वो बाइवाल्विया होता है और ये यूनिवाल्विया होता है। अब हम थोड़ी सी चर्चा हम करें इसके जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, कि इनका भूवैज्ञानिक वितरण किस प्रकार का है। जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये इम्पोर्टेंट है, ये सभी फॉसिल्स का हमको इनका जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बताना होता है, कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल के हिसाब से कौन से पीरियड में कब तो इनका प्रादुर्भाव हुआ, कब ये अपने विकास के चरम उत्कर्ष पर थे और कब धीरे धीरे ये लुप्त हुए। तो इनके जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात यदि हम करें तो हम कह सकते हैं कि गैस्ट्रोपोड के जीवाश्म सर्वप्रथम लोअर कैम्ब्रियन टाइम पीरियड में पाए गए। अलवन जल में यानी फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले गैस्ट्रोपोड के जीवाश्म सर्वप्रथम पेंसिल्वेनियन रॉक्स में पाए जाते हैं। ट्राइसिक और क्रिटेशियस टाइम पीरियड में इनका इवोल्यूशन प्रारंभ हो गया था, और तृतीय महाकल्प यानी कि टर्शरी टाइम तक ये गैस्ट्रोपोड एक प्रमुख समूह के रूप में स्थापित हो गए थे, तथा आज के वर्तमान समय में भी ये गैस्ट्रोपोड काफी अधिक संख्या में हमें देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार गैस्ट्रोपोड भी मोलस्का फैमिली का एक महत्वपूर्ण क्लास है, जो तीन उपक्लास प्रोटोगैस्ट्रोपोडा, प्रोसोब्रैंकिया, ऑपिसोब्रैंकिया और पल्मोनेटा, चार सब क्लास में ये डिवाइड है। अब आगे क्लास में हम इसी फाइलम मोलस्का को आगे बढ़ाते हुए हम सिफलोपोडा की बात करें। थैंक्स।